Hello friends, welcome back. So now we are back again. I know it's like 2 to 3 weeks since we uploaded our last video, but yeah, now we are back. और आज हम लिनक्स कर्नल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे. So let's get started. तो इससे पहले कि हम लिनक्स के बारे में कुछ जाने, हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ओपन सोर्स मूवमेंट क्या होता है. और ये सब ओपन सोर्स मूवमेंट से शुरू होता है. तो दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब नॉर्मली जब आप सॉफ्टवेयर लेते हो तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो क्लोज सोर्स होते हैं उसमें जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाइड किए हुए होते हैं, मतलब वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते. लेकिन ओपन सोर्स क्या होता है, मतलब जो सोर्स कोड प्रोग्राम जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, इसे हम ओपन सोर्स कहते हैं. तो मूवमेंट चला था ओपन सोर्स का, लीडेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन, जिन्होंने ये कहा था कि सोर्स कोड जो है वो यूजर्स को अवेलेबल रहना चाहिए उनके फ्रीडम के लिए, ताकि वो खुद देख सके कि क्या हो रहा है भाई, प्रोग्राम कैसे काम करता है, तो खुद उसमें मॉडिफाई कर सके. तो सब इससे ही शुरू हुआ था, जिसे GNU मूवमेंट भी कहा जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं लिनक्स कर्नल के बारे में. तो दोस्तों, कर्नल बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच में काम करता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है. लिनक्स कर्नल जो है वो GNU लाइसेंस में आया था, जो 1993 में लाइनस टॉर्वल्स ने निकाला था. तो लिनक्स पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, वो बेसिकली सिर्फ एक कर्नल था, जिसे बाद में GNU के साथ कंबाइन होने के बाद उसे एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया. उसकी यूटिलिटीज के साथ कंबाइन होने के बाद इसके कई सारे यूजर्स होते हैं. इसमें सबसे बड़ा आता है स्पेस का. आप जानते हो कि स्पेस का सबसे फेवरेट है लिनक्स. लगभग सारे के सारे स्पेस प्रोग्राम्स में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है. ये रिलायबल इतना इसलिए है क्योंकि लिनक्स का जो सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर उसमें कुछ फ्लॉ हो तो आप उसे खुद चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हो. सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लिनक्स कर्नल का. इसके साथ साथ दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है सबके सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है. दुनिया में 500 जो सुपर कंप्यूटर है उसमें से 499 सुपर कंप्यूटर्स में लिनक्स इस्तेमाल होता है, और जो एक बचा 500 में से उसमें भी यूनिक्स इसका इस्तेमाल होता है, जो भी लिनक्स की फैमिली से है. तो ये बात तो आप जानते होगी कि एंड्रॉयड के अंदर लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल होता है. लेकिन एंड्रॉयड ये अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसके अंदर लिनक्स इस्तेमाल होता है. दुनिया में ऐसे 10 से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल पर बनाए गए थे, जिनमें से आता है उबंटू मोबाइल आता है, फिर फायरफॉक्स OS आता है. ऐसे तमाम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है मोबाइल के लिए जो बनाए गए थे एंड्रॉयड के अलावा, जो लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल करते हैं. दोस्तों, गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है या टेस्ला की आ रही है, उसके अंदर भी लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल होगा. इसी के साथ साथ आप जब प्लेन में जाते हो तो आपको याद रहेगा कि ये कुछ ऐसा रहता है एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें जो सिस्टम होता है उसके अंदर भी लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल होता है. भाई, ये लॉजिक की बात है. विंडोज़ आप खरीदोगे ओरिजिनल वर्जन तो आपको कम से कम 10,000 तो भी लगेंगे एक सीट के. अब भाई, पूरी प्लेन के अंदर आप कितने विंडोज़ खरीद के डालोगे, इसलिए लिनक्स का इस्तेमाल होता है. उसके अलावा जो ट्रैफिक्स होती है, मतलब ट्रैफिक लाइट्स होती है, उसके अंदर भी लिनक्स कर्नल का इस्तेमाल होता है. ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर लिनक्स का इस्तेमाल होता है. तो दोस्तों, इसके साथ आप समझ सकते हो कि लिनक्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर लिनक्स नहीं होता तो हमारी लाइफ आज कितनी इनकम्प्लीट होती, या फिर हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितने पैसे दे के करना पड़ते थे. तो दोस्तों, लिनक्स ही सबके लिए. आप सबको इनक्रेज करता हूँ मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए. सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आपकी तरफ से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर.